विश्वासघात की एक नई परिभाषा आज लिख दी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उन्होंने दिखा दिया है कि आखिर वो किस तरह के नेता हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि नीतीश कुमार शपथ ले लिए हैं, नवी बार एनडीए के साथ मिलकर वो मुख्यमंत्री बन गए हैं और वो बने तब रहेंगे जब वो अपनी जो बहुमत है उसको साबित कर देंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी के पास आखिर कौन सा आखिरी विकल्प बचा है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। वहीं यह भी बात करेंगे कि आखिर लालू परिवार के ऊपर दूसरी कौन सी सबसे बड़ी मुसीबत आ गई है। एक तो तेजस्वी यादव हाथ से कुर्सी चली गई है, वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी और पत्नी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसको लेकर अमित शाह भी फंस गए हैं। हमारे इधर यूपी में कहा जाता है थूक कर चाटना काफी फेमस है, और आप लोग ये बताना कि आखिर ये लाइन किसके लिए सटीक बैठ रही है। सबसे पहले आप ये कुछ लाइनें हैं जो सुन लीजिए कि अगर आप किसी संशय में हो कि चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार को भाजपा एनडीए मिलेगी तो बिहार की जनता को मैं साफ और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। यह भाषण तो याद ही होगा आप सभी को, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाषण आखिर ये किसका है और थूक कर चाटना किसके लिए सटीक बैठ रहा है। वही हम इस वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार के तूफान को रोकने के लिए चिराग पासवान सामने आ गए हैं। दिल्ली में अमित शाह से मीटिंग करने के बाद चिराग पासवान ने बीजेपी और नीतीश कुमार की नींदें उड़ा दी हैं। आपको बता दें कि लगातार बिहार की पॉलिटिक्स गरमाई हुई है, बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। विपक्षी दलों को एकजुट करने वाले नीतीश कुमार खुद इंडिया गठबंधन से अलग हो गए हैं। बिहार में दो दिनों से जारी राजनीतिक ड्रामा आज थम गया है। इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए। राज्य में एक बार फिर जेडीयू और बीजेपी की सरकार बन गई है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सत्ता से बाहर होने के बाद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के पास अब क्या विकल्प बचे हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद कुमार एक बार फिर सीएम पद की शपथ ले लिए हैं। बिहार की नई सरकार में एनडीए के घटक दल शामिल होंगे। विपक्षी दलों को एकजुट करने वाले नीतीश कुमार ही अब इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। इंडिया गठबंधन के तहत अब तेजस्वी यादव को कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर आगे की रणनीति पर काम करना चाहिए। आपको बता दें कि आरजेडी के पास खुलकर खेलने का मौका है इस बार बिहार में। तेजस्वी बाजी अभी भी मार सकते हैं क्योंकि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। पहले आरजेडी और जेडीयू दोनों पार्टियां 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी, लेकिन जेडीयू से अलग होने के बाद अब आरजेडी के पास खुलकर खेलने का मौका है। लोकसभा चुनाव में आरजेडी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। साथ ही बिहार में अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे, इसे लेकर लालू प्रसाद यादव की अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए उनको। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में नीतीश का खेल बिगाड़ सकता है इंडिया गठबंधन। जी हां, नीतीश कुमार ने जैसे इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ दिया वैसे ही अब लोकसभा चुनाव में आरजेडी भी नीतीश कुमार के साथ खेल कर सकती है क्योंकि बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर एक सीट एक उम्मीदवार फार्मूले पर चुनाव लड़ेगी तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन को जरूर मिलेगा। साथ ही आरजेडी को अपनी सरकार में किए कार्यों का गुणगान करना चाहिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव बतौर डिप्टी सीएम रहते हुए बिहार में लगातार चाहे नौकरियों को लेकर रही हो या हॉस्पिटल को या बिहार में जो भी विकास कार्य हुए हैं या सबसे बड़ा जो मुद्दा तेजस्वी यादव के पास है, जो जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पीडीओ को लेकर चल रहे हैं, तेजस्वी यादव के पास एक मौका है कि उन्होंने जाति जनगणना जो करवाई थी वो सबसे बड़ा मुद्दा तेजस्वी यादव का अभी का हो सकता है। इन चीजों पर अगर तेजस्वी यादव यानी आरजेडी और महागठबंधन चुनाव लड़ती है तो बाकौर उनको फायदा बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। वही अब बात करते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव के परिवार पर दूसरी मुसीबत कौन सी आई। आपको बता दें कि लालू यादव की पत्नी और बेटी को कोर्ट ने समन भेजकर तलब कर दिया है। दोस्तों, रेलवे में नौकरी वाले लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को भी समन भेजा गया है। सुनवाई की अगली तारीख 9 फरवरी तय कर दी गई है और उनकी बेटी को भी समन भेजा गया है, जिसमें मीशा भारती और दूसरी बेटी उनकी जो है हेमा यादव को यह समन भेजा गया और हाजिर होने का आदेश भी दिया गया है। आप सोचिए, यह समन उस समय भेजा गया है जब बिहार में नीतीश ने इस्तीफा दिया और सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं पर राबड़ी आवास में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। लालू प्रसाद यादव अगली चाल चल सके उससे पहले ईडी ने उन्हें समन भेज दिया ताकि उनके आकाओं को कोई दिक्कत न हो सके, क्योंकि जिस तरीके जानते हो ईडी और सीबीआई का काम इस समय क्या हो रहा है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान का जो राजनीतिक समीकरण है किसी से छुपा नहीं है। एक तरफ पलटू राम कहे जा रहे नीतीश कुमार को, अपने फायदे के लिए किसी से कहीं भी कुछ किसी भी पार्टी को बीच मझधार में छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान है जो हमेशा बड़ी ही शातिर तरीके से अपना राजनीतिक खेल खेलते हैं, वो अपना दांव बड़ी ही सोच समझ कर लेते हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति की गर्माहट के बीच चिराग पासवान ने लोजपा के लिए बीजेपी हाईकमान से बात की। इसके बाद जब उन्होंने बयान दिया उसे ऐसा लगा कि चिराग पासवान बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं उन्होंने नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने के लिए अमित शाह के सामने दो शर्तें रखी। आपको बता दें कि लोजपा जो कि रामविलास पासवान की पार्टी है, उन्होंने सबसे बड़ी जो बात है जो शर्तें उसमें रखी है कि बिहार में एनडीए सरकार बने तो एक बड़ा मिनिमम प्रोग्राम बने, उसके आधार पर सरकार चले, ना कि खाली नीतीश से बातों के आधार पर वहां बिहार में सरकार चले, जिसमें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट सरकार के इस
जो एजेंडा है इस फार्मूले पर वो चलाना चाहते हैं, क्योंकि महागठबंधन का भी यही फार्मूला था जिस पर तेजस्वी यादव लगातार काम कर रहे थे। और चिराग ने यह भी कहा है कि मुझे नीतीश कुमार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी नीतियों से हमें हमेशा दिक्कत रही है। और उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की नीतियों की वजह से ही बिहार आज तक विकास नहीं कर पाया, अगर उनकी नीतियां सही नहीं रही तो एक प्लेटफॉर्म पर आने पर हमें दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि वह इस बार 6 सीटें मांग रहे हैं, मतलब कहने का यह है कि उनके कोटे की जो सीटें हो उनको मिलनी चाहिए, वो अपनी सीटों से समझौता नहीं कर सकते हैं। अगर यह बातें नहीं मानी गई तो जेडीयू जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी नीतीश कुमार की पार्टी लड़ेगी विधानसभा चुनाव में, उन सभी सीटों पर लोजपा अपने प्रत्याशी उतार देगी, साथ ही 6 अन्य सीटों पर भी लोजपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। इस तरह कुल 23 सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ सकती है। तो अब यह कहा जा रहा है कि जो चिराग पासवान है वो भी बीजेपी यानी नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ सकते हैं। दूसरी तरफ सबसे जो बड़ी बात आ रही है कि यहां पर जो जीतन राम मांझी है उनका भी मनमुटाव ही चल रहा है, और तीसरे जो सबसे बड़े हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनका भी कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार से है उनसे ठीक ठाक डील नहीं चल पा रही थी। फिलहाल ये अभी अपडेट थी बिहार की राजनीति। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। करके गांव गांव तक ले जाके के बताने का काम किया, लोगों को जानकारी दी, और लालू जी समझते थे, भांप लिया उन्होंने कि ये लोग जितने लोग हैं सब लोगों ने मंडल पे वार करने का काम किया, अगर ये लोग सत्ता में रहेंगे तो देश हमारा बचेगा नहीं। उसलिए सबसे पहले हम लोगों ने बिहार में रैली करने का काम किया था, उस रैली में नाम हम लोगों ने देने का काम किया था, भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली, इसमें भारी संख्या में लोग वहां पहुंचने का काम किए थे और पहला प्लेटफॉर्म था। पर अभी जिस प्रकार से 13 पॉइंट रोस्टर वाला जो इस प्रकार से काम किया, हम लोग लगातार पहले से संविधान बचाओ न्याय यात्रा पूरे बिहार के जिलों जिलों में लगभग 1.5 साल पहले हम लोग घूम करके काम किए, और आप देखिए कि अब धीरे धीरे किस प्रकार से संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। आपको आरक्षण करने का समाप्त करने की साजिश की जा रही है, और अभी तो सिर्फ टेम्परमेंट आप क्या कहते हैं थर्मामीटर लगाया है, वो देख रहे हैं कि भाई बहुसंख्यकों में क्या रिएक्शन होता है इसको लेकर के, और हम लोग सब लोग यहाँ ठंडे पड़े हुए हैं, सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में बिखरे पड़े हुए हैं। अभी तो बेहद जरूरी है कि अब हम लोग कब सबक सीखेंगे, जब फिर वो व्यवस्था आ जाएगी, फिर से हमारे बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ा जाएगा, कर्पूरी ठाकुर जी को गाली दिया जाएगा, जगदेव बाबू जैसे नेताओं को गोली मारा जाएगा, तब हम लोग जगेंगे क्या? और मुझे दुख है, एक उर्मिलेश जी ने एक बात कही उसको लेकर के हम बहुत चिंता में हैं। उन्होंने कहा बाबा साहब अकेले एक अंबेडकर ने पूरे आरक्षण की व्यवस्था की, पूरे बहुसंख्यक पिछड़े जितने लोग थे दलित थी उनके लिए करने का काम किया। आज हम लोग इतने नेता हैं, इतने लोग हैं जो उनके बनाए हुए संविधान के बदौलत आज हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला, जो भी लोग हैं उनके बदौलत है, और हम लोग उनके सपनों को पूरा करने के लिए आज कुछ भी नहीं कर रहे, सब लोग अपने अपने सत्ता के लालच में बैठे हुए हैं। और इसको लेकर के हम बेहद हम लोगों को चिंता है कि आखिर हो क्या गया है। आज इतने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे पिछड़े समाज के हों, दलित समाज के हों, आदिवासी समाज के हों, आज पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो आज आखिर ऐसी कौन सी उनकी बीमारी है जिनके वजह से जो आए आज उनको गाली दिया जा रहा है, उनके संविधान को खत्म किया जा रहा है, और वो लोग आज ऐसी नीति को समर्थन देने का काम कर रहे हैं जो कि देश के लिए ठीक नहीं है, बहुसंख्यकों के लिए ठीक नहीं है।